में सीखने वाले कॉपी पेन सब अपना अपना तैयार रखेंगे और थोड़ा सा सिस्टम है, दूसरा दिन ही है ना, तो थोड़ा सा सेट करना था। लैपटॉप भी मैं लेकर आया, काफ़ी सारी चीज़ें मुझे लैपटॉप में मालूम नहीं है। और बच्चे डेमो क्लास के लिए बोल रहे थे, इधर डेमो क्लास कुछ डेमो कर यूट्यूब पर दो, क्योंकि बच्चों ऐसा हो गया है ना कि मतलब कई बच्चे मुझसे ये कर रहे हैं कि सर मैंने कहीं और पेमेंट किया था, मैंने कहीं और कोर्स खरीदे थे, ये किया था वो किया था, लेकिन उनका जो है वो पढ़ा नहीं रहे हैं, ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे। तो कहते हैं ना कि दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक कर पीते हैं, तो वही कुछ है। तो मैंने बस एक ही मेरा जवाब यहाँ पर है सारे बच्चों को कि देखो, मैंने उनको जवाब दिया कि देखो मैं पर्दे के सामने हूँ, मैं पर्दे के पीछे नहीं हूँ। कोई पर्दे के पीछे रहकर अगर ऐसी हरकतें कर रहा है तो बहुत दिन तक ये नहीं चलेगा, और मैं पर्दे के सामने हूँ। मेरा नंबर एक है, मेरा यूट्यूब चैनल एक है, मैं अकेला आपसे बात करता हूँ। आप कभी भी आप मुझे कॉल करोगे मैं आपसे बात कर लूँगा, कोई क्वेरी हो पूरा मैं अकेले निपटने को सारी चीज़ें रहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को बताना पड़ता है, खैर कोई नहीं। देखिए आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो मोल के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मोल, ये बहुत ही बेसिक है मोल, इसको आप समझना थोड़ा सा, और इस पर मैं कुछ सवाल भी आज आपको दूंगा इसके बाद, तो आप अपना फटाफट तैयार रखना। मोल एक्चुअली होता क्या है, मोल देखिए समझते हैं, बहुत बेसिक मैं आपको बताता हूँ। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मैं कहता हूँ जैसे मैं लिखता हूँ टाइम, तो आप मुझे बताइए टाइम का यूनिट क्या होता है। तो कहेंगे सर टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। टाइम को हम लोग सेकंड में मेजरमेंट करते हैं। अब देखिए टाइम को सेकंड में मेजरमेंट करते हैं तो मिनट भी होता है, आवर भी होता है, बड़े यूनिट भी होते हैं ना यहाँ पे। उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि ओ सर मैंने आज केमिस्ट्री पहले स्टार्ट कर दिया, चलिए कोई बात नहीं मुझे ध्यान नहीं रहा, चलिए आज पहले केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं। मैं आपसे बात करता हूँ डिस्टेंस, इतने बच्चे क्वेरी आ रहे हैं ना, मतलब सुबह से लेकर मतलब ये तक फोन मैसेज, कई बार तो मैं अगर बाथरूम भी गलती से चला जाता हूँ ट्रिंग ट्रिंग बजता रहता है। चलिए कोई नहीं, आज केमिस्ट्री पहले पढ़ लेते हैं। डिस्टेंस को हम लोग इसमें मेजरमेंट करते हैं, मीटर में मेजरमेंट करते हैं। तो जस्ट लाइक अगर हम मोल, ये मैं आपको केमिस्ट्री का पहला ही चैप्टर करा रहा हूँ, एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल अरिथमेटिक। हालांकि पहले फिजिक्स होता है लेकिन अब मैंने केमिस्ट्री शुरू कर दिया। क्या कह रहे हैं आवाज मुझे समझ में नहीं आई। अच्छा अच्छा, तो देखो यहां पर जो है जब हम मोल की बात करते हैं तो मोल एक्चुअली क्या है, जैसे कोई भी अमाउंट लेते हैं, जैसे कि आप मार्केट में जाते हैं, जैसे मान लीजिए गोभी खरीदने के लिए जाते हैं, तो गोभी खरीदने जाते हैं दो तरीके खरीदने का, या तो आप नंबर से खरीद लीजिए जैसे कि एक पीस, दो पीस, तीन पीस, चार पीस, या तो आप उसको केजी से खरीद लीजिए भाई 2 kg 3 kg, आप इस हिसाब से खरीद लीजिए। तो जस्ट लाइक जब हम यहाँ पर मोल की बात करते हैं तो हम यहाँ मोल में दो तरीके लेंगे, और बच्चों ध्यान देना ये लिखते लिखते आपके दिमाग में याद हो जाएगा, इसको रटना नहीं है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हम सिंपल से एक बार हम लेते हैं बाई मास, एक बार मास के हिसाब से चलते हैं, और एक बार हम हिसाब से बात करते हैं बाई नंबर। ये मैं कल बता चुका था लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर हम बाई मास बात करते हैं, बाई नंबर बात करते हैं, तो सिंपल से आपको समझना है कि हमेशा देखो आप ऐसे याद रखना, मास को हमेशा हम लोग मास से ही डिवाइड करेंगे और नंबर को हमेशा नंबर से डिवाइड करेंगे। हेलो, ये बात याद रखना आप। जैसे मान के चलो मोल को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, बहुत सिंपल बता रहा हूं मैं। तो यहां अगर आपको निकालना हो नंबर ऑफ मोल, पहले मैं लिख देता हूं, अगर यहां नंबर ऑफ मोल आपको निकालना हो तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से यहां पर लिखोगे, यहां पर आप लिखोगे गिवन मास, जो भी गिवन मास आपको सवाल में दिया जाएगा। और मैं बता रहा हूं ये मोल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये मोल किसी को नहीं आएगा तो पूरी केमिस्ट्री में भटकता रहेगा वो, क्योंकि हर जगह मोल मोल की फिर बात आती है। समझो ध्यान से, मैं यहां पर लिखता हूं गिवन मास और यहां मैं लिखता हूं मोलर मास, यहां मैं मोलर मास लिखता हूं। अब इसका मैं एग्जांपल पहले सेट करता हूं आपके सामने, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल वाइज बात करूं, मैं सबसे बढ़िया एग्जांपल वाटर को लेता हूं। अगर मैं वाटर पे आता हूं तो आप मुझे बताइए वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तो अगर वाटर का फॉर्मूला H2O होता है बच्चों तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, कैसे निकालते हैं मोलर मास। तो मोलर मास के लिए बहुत सिंपल है, आपको क्या करना पड़ेगा, इनके एटम्स को देखना पड़ेगा। तो यहां पर हाइड्रोजन है और यहां पर क्या है, ऑक्सीजन है। तो अगर आप हाइड्रोजन की बात करते हैं तो यहां पर कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है,
तो दो हाइड्रोजन मतलब 2 × 1 ग्राम, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, तो यहाँ पर क्या है कि जैसे यहाँ पर हमने लिखा 2 ग्राम और यहाँ लिखा 16 ग्राम, तो ये कितना हो गया 18 ग्राम आ गया यहाँ पर। अब आपको ध्यान ये देना है कि ये जो 18 ग्राम है बिल्कुल फिक्स है, मोलर मास कभी नहीं बदलता है, आपको ध्यान देना है मोलर मास कभी नहीं बदलता है, लेकिन गिवन मास बदल सकता है। अगर हम यहाँ गिवन मास लिखते हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये बदलता रहेगा, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, यहाँ पर जो आपका गिवन मास है ये बदलता रहेगा। क्यों बदलता रहेगा? क्योंकि हमारी आजादी है, हम अपने मन से 2 ग्राम 10 ग्राम 5 ग्राम कुछ भी ले सकते हैं ना, ये तो हमारी च्वाइस है, तो ये हम अपने हिसाब से इसको हम ले सकते हैं, ये बदलता रहेगा आपका। तो अब गिवन मास कुछ भी सवाल दे सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी सवाल दे सकता है। जैसे यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन तैयार करना है तो सवाल आपसे कैसे पूछेगा, सवाल आपसे पूछेगा जैसे मान के चलिए बोल दे 36 ग्राम वाटर है, तो बताइए ये कितना मोल होगा। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल गिवन मास कितना हो गया 36 ग्राम। गिवन मास को हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं और इसको मोलर मास को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि गिवन मास यहाँ पर 36 ग्राम है और मोलर मास आपका हो गया 18 ग्राम, इन दोनों कट करेंगे तो ये ग्राम से ग्राम भी कट गया, ये कितना आ गया 2 मोल इसका आंसर आ गया, राइट। अब एक सवाल मैं आपको देता हूं, यहां पर आपको बताना है अगर मैं यहां पर ले लू 9 ग्राम या यहां पर मैं ले लू चलो 22 ग्राम CO2 लेता हूं, तो बताइए कितना मोल होगा 22 ग्राम CO2 कितना मोल होगा। आप लोग कॉपी में सोल्व करके मुझे आंसर बताएं, कितना 2 मोल 0.5 मैं आंसर यहां पर लिखता हूं। चलो मैं यहां पर किसी ने कहा 2 मोल, कोई कह रहा है 0.5 मोल, और किसी को आंसर 0.5 को 1/2 है, हम उस पर भी आएंगे, 1/2 बिल्कुल लिख सकते हैं 1/2 मोल। और किसी को जवाब 1.4 मोल। चलिए अब हम आते हैं इसको सोल्व करते हैं, कोई बड़ा सवाल नहीं है ये, 0.4 मोल। चलिए बाकी आप लोग आंसर अपना मिला लीजिएगा जो भी आपका रहेगा, मैं इसको सोल्व कर रहा हूं यहाँ पे, यहाँ रेड पेन से सोल्व कर रहा हूं, मैं रेड पेन से सोल्व कर रहा हूं। आप देखिए इसको मैं कैसे सोल्व कर रहा हूं। अब हमारा जो है ये है CO2, हमने लिया है CO2, तो सबसे पहले CO2 का हमें मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास ऑफ CO2, तो CO2 का मोलर मास कैसे निकलेगा आप सोचो थोड़ा सा। कार्बन यहां पर एक है, एक कार्बन का मतलब हो गया कि ये हो गया 12 ग्राम, और यहां ऑक्सीजन 2 है, तो अगर ऑक्सीजन 2 है तो एक ऑक्सीजन 16 ग्राम होता है, तो 2 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 32 ग्राम, यानी आ जाएगा 44 ग्राम ही आ जाएगा, यानी मोलर मास हमने निकाल लिया 44 ग्राम। घबराना बिल्कुल नहीं है, अगर गलत जवाब भी आता है तो कोई बात नहीं, ये सीखने का एक प्रक्रिया है। अब देखिए यहाँ पर जो गिवन मास है, सवाल ने गिवन मास दिया है, वो दिया है 22 ग्राम गिवन मास यहाँ पर दिया है, तो बहुत ही सिंपल है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए, गिवन यहाँ 22 ग्राम और नीचे ले लेंगे 44 ग्राम, यानी कि 22 और 42 टू टाइम में कट जाएगा 1/2 मोल। तो जिन बच्चों का 1/2 है वो भी सही है, और डेसिमल में 0.5 मोल आएगा, जिन बच्चों का 0.5 है वो भी सही है। तो फटाफट जिनका गलत है वो लिख लें क्योंकि मैं इसे मिटा दूंगा। हाँ, जिनका भी 0.5 है सही है। So, नेक्स्ट में मिटा नहीं रहा इसको, इस पर अभी मैं इसको यहाँ नंबर वाले पर मुझे आना है अभी। तो अगर हम अब नंबर वाले पे हम आने वाले हैं, तो नंबर वाले के एग्जांपल मैंने क्या आपको बताया था,
नंबर वाले मैंने आपको बताया था कि बहुत ही सिंपल है, जैसे आप गोभी खरीदते हैं तो आप नंबर के हिसाब से खरीदते हैं, ये तो हो गया मास के हिसाब से। अच्छा, इसमें एक दो वेरायटी और है, वो भी सवाल में भी सोल्व कराऊंगा एक दो वेरायटी का। बाई नंबर पे पहले आते हैं, वो जरा आप सीख जाएंगे ना, तो उसके बाद फिर मिक्स करके सवाल यहाँ पर देंगे और फिर देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इस पे कैसे सवाल पूछा, एक दो सवाल उस पर भी हम लोग कर लेंगे। तो ये वाला हिस्सा मैं मिटा दूं, चलो ये आंसर वाला मिटा देता हूँ, जिनका ऑप्शन था ये मिटा देता हूँ, बाकी मैं रहने देता हूँ, अगर कोई लिख रहे हैं तो लिख लेंगे। चलिए अब देखो, यहाँ पर हम ब्लैक पेन से मैं दे रहा हूँ, बाई नंबर के हिसाब से बात करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, अगर आप नंबर के हिसाब से बात करते हैं तो फिर आपको नंबर को नंबर से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे एवोगाड्रो, जो मैंने बताया है, एवोगाड्रो ने कहा कि दुनिया का कोई भी आप मॉलिक्यूल्स ले लो, एटम्स ले लो, कुछ भी ले लो, बहुत इजी और सरल भाषा में बता रहा हूँ, दुनिया का एक मोल में कितना संख्या होगा, तो उन्होंने एक नंबर दिया एवोगाड्रो नंबर। तो सबसे पहले हमें एवोगाड्रो नंबर के बारे में जानना होगा, एवोगाड्रो कॉन्स्टेंट भी इसको कहते हैं, ये याद कर लो आप, रट लो, देखो मेरे साथ याद कर लो, बोलो 6.022 × 10³। इसको एकदम दिमाग में पिक्चर क्लियर कर लेना है, क्योंकि ये मिस नहीं करना है, ये आपको एनी हाउ याद रहना चाहिए, 6.022 × 10³। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट है ये। चलिए तो इसकी हेल्प से कैसे निकालते हैं, तो आपको सवाल में, देखिए सवाल में ये नहीं देगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ना ही ब्रैकेट में आपको देगा, यहां पर निकालेगा ऐसे करके, एन इज इक्वल टू, यहां आपको देगा गिवेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहां पर आपको देगा। अब बात को समझिए, और नीचे आपको क्या कर देना है, एवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10³। ये दिमाग में आपको पिक्चर क्लियर कर लेना है कि हमसे अगर पार्टिकल्स दे देगा, पार्टिकल्स में क्या क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, पार्टिकल्स में आयंस हो सकता है, पार्टिकल्स में सारी चीजें हो सकती है। तो जनरली मैंने एक वर्ड केवल पार्टिकल्स लिखा है यहाँ पे। तो जब भी आपको कोई भी नंबर दे, अब नंबर भी आपको छोटा मोटा नंबर नहीं देगा, वो भी 10³ में ही नंबर देगा, तो आपको जो है कैलकुलेशन इसी के साथ करना पड़ेगा। तो इस सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताया था, ये वाला मैं मिटा देता हूँ, और यहाँ मिटा के हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। जरा देखिए, इस पे हम एक सवाल करते हैं, बहुत बढ़िया सवाल यहाँ पर हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा दिमाग में पिक्चर सेट कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बोलूंगा 1 mole H2O, लेट मी सपोज मैं यहाँ बोलता हूँ 1 mole H2O, ये दो चीजें रिप्रेजेंट करता है, एक तो ये बताता है मास के हिसाब से, एक हो रहा है नंबर के हिसाब से। ये मैं कल भी बता चुका था और आज भी बता रहा हूं, और मैं इसलिए बेसिक में 2-3 दिन दूंगा अभी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं किसी का बैकबोन बना दूंगा, मैं किसी का बेस स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, तो फिर आप इस लाइक हो जाएंगे कि उड़ाऊंगा तो उड़ोगे भी, दौड़ाऊंगा तो दौड़ोगे भी, लेकिन उस लाइक वाले बनो। तो 1 mole H2O लेते हैं, तो 1 mole H2O में कितना हो गया, 18 ग्राम हो गया। और अगर आप पूछेंगे कि 1 mole H2O में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो यही नंबर दूंगा, 6.022 × 10³ ही मैं नंबर दूंगा यहाँ पर, यही नंबर मैं आपको देने वाला हूँ। अब आपको यहाँ समझना क्या है कि दुनिया में कोई भी, जैसे यहां मैं ले लू 1 mole कार्बन ले लेता हूं मैं, तो अगर 1 mole कार्बन लेता हूं, तो यहां पर देखिए मास तो बदल जाएगा, क्योंकि मोलर मास डिफरेंट है, ये हो जाएगा 12 ग्राम, लेकिन यहां पर नंबर अभी भी वही रहेगा। यानी इससे एक बात पता चलता है कि दुनिया का कोई भी अगर 1 mole लेंगे, तो उसमें जितने पार्टिकल्स पूछेगा, ये वही पार्टिकल्स एवोगाड्रो नंबर ही आएगा। तो सवाल इसका बहुत इजी है, जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं यहाँ पर, लेट मी सपोज यहाँ पर देता है 12 × 044 × 10³, ऐसा मान लो पूछ दे, या मान लो 20 की जगह मैं कर देता हूँ 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, ये दिया है आपको। अब यहां पर आपसे पूछ रहा है कि बताइए व्हाट इज द नंबर, यहाँ N लिखेगा और यहाँ H2O लिख देगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O क्या होगा? तो बच्चों इसको जरा आप आंसर मुझे बताइए, इसका आंसर क्या आएगा, बाकी आपके एफर्ट मैं देखना चाहता हूँ, फिर तो मैं इसको सॉल्व करूंगा। ट्वेल्व पॉइंट जीरो फोर फोर इंटू टेन की पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। चलिए एक आंसर 20 आया, मैं आंसर को साइड में लिख देता हूं। इससे क्या होता है कि हमें पता चलेगा 20 mole एक बच्चे का आंसर आ चुका है। Yeah.
20 20 20, इसका मतलब है कि आप लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। चलिए जिन बच्चों का भी आंसर है एक बार हम भी सोल्व कर लेते हैं क्या यहाँ पर आंसर आएगा। तो बहुत इजी है, इसमें कोई हार्ड वाली बात नहीं है। मुझे पता नीचे स्पेस कम है तो मैं साइड में यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ, इसके बगल में सोल्व करता हूँ। देखो यहां पर अगर आप नंबर ऑफ मोल निकालना चाहते हैं बच्चों, बहुत इजी वे में यहां इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहां पर जो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ये वाला दे रहा है, ये है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये हमें दिया गया है, ठीक है। तो जो हमें दिया गया उसको हमें ऊपर लिखना है। तो ये दिया गया है 12.044 × 10^24 यहां पर दिया है, राइट। और नीचे मैंने साफ साफ बोला है अवोगाड्रो नंबर से आप डिवाइड कर देना, 6.022 × 10^23। तो यहां से देखो अगर पॉसिबल हो कि ये कैलकुलेशन में कट जाएगा, जैसे मुझे पता 6 × 12 = 2^24, 2^24 ये दो बार में कट जाएगा। और यहां से पावर देखो, ये पावर 23 है, ये पावर 24 है, तो ये पूरा कट जाएगा यहां से। बहुत लंबा खींच दिया है तो, और यहां केवल पावर को कट करके दिखाएंगे, यानी कि यहां 10 बचेगा, ठीक है। तो यानी 2 × 10 mol यानी कि 20 mol। और बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने आंसर बताया। खैर ये तो क्लास 9th के लेवल का मैंने अभी आपको बताया है, अभी मैं आपके लेवल पे नहीं आया हूँ अभी। अच्छी बात है कि आप सीख रहे हैं, लेकिन मैं उस लेवल पे भी आया नहीं हूँ जो मुझे बताना है आपको और सिखाना है। देखिए अब यहां से ना, अब दो चीजें, एक चीज पहले क्लियर कर लेना है कि यहाँ एक फॉर्मूला यहाँ पर है, एक फॉर्मूला यहाँ पर है कि अगर हम मास से निकालते हैं तो गिवन मास अपॉन मोलर मास है, और एक फॉर्मूला यहाँ पर है कि अगर हम पार्टिकल से निकालते हैं तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नीचे अवोगाड्रो नंबर है, राइट। ये सारी चीजें यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर क्या है, ये पूछना था, पूछो। जो ये पावर 23 है और 24 है, कैसे कटा? हाँ कैसे कटा, देखो ये बहुत ही बेसिक है, आपने पढ़ा होगा बेसिक क्लासेस में कि पावर माइनस हो जाता है, ऊपर के जो न्यूमिनेटर का पावर होता है डिनोमिनेटर का पावर जाके माइनस हो जाता है, तो केवल 10 के पावर 1 ही तो बचेगा यहाँ पर, ठीक है। इसलिए मैंने डायरेक्ट काट दिया वैसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब सवाल यहाँ पर इन दोनों को हम मिला देते हैं, तो इन दोनों को यदि हम मिला देंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक तो ये फॉर्मूला है और साथ में इसको हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर n, और नीचे n a या n नॉट भी डिनोट करते हैं यहाँ पे, ये आपको क्लियर करना है। तो ये यहां से कितने रिलेशन हमें मिल रहे हैं पहले ये समझते हैं। तो अगर हम यहाँ इसके रिलेशन पे आते हैं, देखिए आप पार्टिकुलरली इन चारों को ध्यान से देखो, इन चारों में सवाल पूछता है, इन चारों में ये वाला है कॉन्स्टेंट 6.022 × 10^23, ये फिक्स है, ये नहीं बदलता है। कौन बदलेगा, ये बदलेगा, मैं लिख देता हूं, ये बदलेगा, ठीक है, ये यहां पर बदलेगा, और यहां जो एम दिख रहा है ये यहां पर बदलेगा, ये भी बदलने वाला है, ठीक। ये जो कैपिटल एम है ये किस पे डिपेंड करता है, ये इस पे डिपेंड करता है कि हमारा फॉर्मूला कौन सा है, ये फॉर्मूला मास इसको आप बोल सकते हैं, समझने के लिए मैं फॉर्मूला मास लिख देता हूं, ये फॉर्मूला मास है, जैसा फॉर्मूला होगा उस हिसाब से इसको हम लोग पुट करेंगे, राइट। यानी एक तरह से ये भी फिक्स ही होता है अगर हमें मालूम चल जाए तो कि कौन सा हम ले रहे हैं। तो इसका मतलब इन चारों में से तीन चीजें आपको हमेशा दी जाएगी, तीन चीजों में ये तो देगा ही नहीं आपको, तो आप ये भी हटा दो, तीन में एक और हटा दो, दो चीजें आपको देगा। तो तीन बचा केवल, ये गिवन मास बचा, एक मोलर मास बचा, और एक जो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल देगा वो बचा। तो सवाल कैसे आपको पूछेगा ये आप समझिए, आपको कई बार ऐसा सवाल दे देगा कि जैसे कि मैंने आपसे शुरू में पूछा था कि 18 कितना लिया था मैंने शुरू में, पहला सवाल में कितना 36 ग्राम H2O मैंने लिया था, आपका जो पहला सवाल मैंने लिया था 36 ग्राम H2O मैंने लिया था, और आपसे मैंने पूछा था कितना मोल है। अब आपसे ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि भाई साहब 36 ग्राम H2O हम ले रहे हैं तो बताइए इसमें कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। आप समझिए ध्यान से, आपको अब इस बार नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा कि आप 36 ग्राम ऊपर लिखो और नीचे 18 ग्राम लिखो डिवाइड कर 2 mol आंसर लियो, ये आपसे नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि हमें उससे मतलब नहीं है, हमें आप मुझे ये बता दो कि अगर हम 36 ग्राम H2O लेते हैं तो इसमें कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। तो यहां पर हम कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, तो यहां पर हम इस रिलेशन का यूज करेंगे। अब इस रिलेशन में जब आप आएंगे तो मैंने क्या बोला, ये वाला तो फिक्स है 6.022 × 10^23, ये तो बदलेगा नहीं। अब बच गया कौन सा, तो ये आपको दे दिया कौन सा 36 ग्राम गिवन मास,
एम तो आप खुद ही निकाल लोगे कि 18 ग्राम होता है, तो खाली एम ही तो बच गया यहाँ पर। तो यहाँ पर एक छोटा सा मैथमेटिकल सॉल्यूशन है, उसको सॉल्व करना है। तो मैं चाहूंगा कुछ बच्चे इसको अप्रोच करें, कुछ बच्चे इसको सॉल्व करें। मैं थोड़ा सा टाइम भी 1 मिनट का आपको दूंगा, और कोशिश करें, भले ही गलत हो लेकिन कोशिश करें। ये जो लाल ब्रैकेट में आपको दिख रहा है, अच्छा ठीक है, आंसर भी आ चुका है, बहुत अच्छी बात है। चलिए कुछ क्या क्या आंसर है फिर से अगर आप बोलना, आंसर बोलना आपको आपने जो बोला अभी। ये ठीक है, चलिए अब इसको हम सोल्व करते हैं जरा, क्योंकि देखिए लाइव क्लास का मतलब ही नहीं बनता अगर मैं ही केवल सोल्व करता जाऊंगा तो। आप लोग इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो फिर तो रिकॉर्डेड वीडियो भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप सिंपली आप इस रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे, एम अपॉन कैपिटल एम इज इक्वल टू एन अपॉन एन ए, ठीक है, इस रिलेशन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, इसमें एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 36 दे रखी है, और यहाँ जो कैपिटल एम है हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये 18 ग्राम होता है, ये बच गया एन, और ये हो गया 6.022 इनकी 10 की पावर 23, तो ये 2 टाइम में कट जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, अगर ये 2 टाइम में कटता है तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो एन की वैल्यू यहाँ पर आएगी वो वही आएगी जो आप लोगों ने आंसर दिया है, और बहुत ही सुंदर जवाब आपने दिया है, 12.044 इंटू 10 की पावर 23। ये बहुत ही अच्छा जवाब आपने दिया। अच्छा नीचे दिख नहीं रहा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, n इज इक्वल टू आ गया 12.044 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। मतलब इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है ये, दिस द मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो ये तो यहाँ पर हमने एक पार्ट ये भी सीख लिया, ठीक है। अब यहां से कुछ आगे हम देखते हैं कि इसको मैं अगर आपको किसी पावर 23 ही रहेगा, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो देखो ये 2 का मल्टीप्लीकेशन इससे हो रहा है, 6.022 से हो रहा है, तो वो इनटू में 10 की पावर, उसे छेड़छाड़ नहीं करना है। एग्जाम में ये नहीं आएगा, अभी मैं थोड़ा बेसिक पे करवा रहा हूँ, और अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी आता हूँ, एग्जाम में जो आएगा वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता है ये, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो एग्जाम वाला भी समझ में नहीं आएगा। तो अभी आपको लग रहा होगा सर स्लो चल रहे हैं, अभी थोड़ा सा मुझे बेसिक पे इस हफ्ते ध्यान देने दो। मंडे से जो है आपका बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से जो चैप्टर होता है वो कंप्लीट होता चला जाएगा। मिक्स करके चलेंगे, अगर मुझे लगा मुझे कैलकुलेशन कराना तो मैं बोर्ड पे करूंगा, और मुझे लगा कि नॉर्मल है तो मैं डायरेक्टली जो है पीडीएफ के जरिए ही बताऊंगा। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, चलिए कुछ बेसिक सवाल हम लोग करते हैं। तो आप लोग सवाल जरा लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जितना मैं लिखूंगा उतना तो आप ही लिख लेंगे। सवाल तो मुझे दिख ही रहा, मैं सवाल बोल रहा हूँ, आप जरा कॉपी में नोट डाउन कीजिए, मैं सवाल बोल रहा हूँ। एक NIOS का सवाल आया था 2010 में, 2010 का ये सवाल पूछा NIOS में, और मैं सवाल बोल रहा हूँ, आप लिखिए, अ सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस consist of 4.22, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, 4.22 4.22 इंटू 10 की पावर 22 10 की पावर 22
अ सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस कंसिस्ट ऑफ 4.22 × 10^22 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन फुल स्टॉप, हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस आर देयर, हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस आर देयर, ये 2010 में NIOS में पूछा जा चुका है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। कितना आंसर आया? 0.7 मोल। ठीक है, बाकी बच्चे भी, बाकी लोग भी ट्राई करें इसको। जीरो पॉइंट जीरो सेवन मोल किसी ने कहा, 0.7 मोल। मैं आंसर आपके लिख देता हूं यहाँ पे, जो भी आपने बोल रहा है। चलिए, यही हमारा सवाल है कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रहा है 4.07। देखिए सही जवाब मैं आपको बता देता हूं, इसका इसका सही जवाब अभी आ जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लें, हमारे साथ में सोल्व कर लें, आप मिला लेंगे कॉपी में, ठीक है, कहां पर क्या कैसे है। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये दे रहा है, यानी सिंपल सी बात है, आपसे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रहा है और आपसे पूछ क्या रहा है कि कितना मोल्स होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वही वाली बात हो गई, पार्टिकल को पार्टिकल से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर जब हम n निकालेंगे तो ये लिखेंगे 4.22 × 10^22 और नीचे लिखेंगे 6.022 × 10^23। यही बस इसी को सोल्व करना है, और आप सबने ये किया होगा, मुझे मालूम है आप सबने यही किया होगा। बाकी कैलकुलेशन का है, फिर उसको कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन और इजी बनाते हैं यहाँ पर। देखिए मैं कैलकुलेशन के लिए जो है यहाँ पर समझते हैं, यहाँ अब वैसे पावर्स की बात करते हैं, तो यहाँ है 22 और यहाँ है 23, तो ये तो पूरा कट गया ना, फिर ये तो पूरा कट गया क्योंकि 22 है यहाँ पे और यहाँ एक 10 बच जाएगा केवल। चलिए ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये लिखा है 4.22, तो इसको अगर मैं यहाँ पर अगर मुझे डेसिमल दोनों को हटाना हो तो मुझे यहाँ एक जीरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 1, 2, 3 डिजिट है और यहाँ डेसिमल के बाद केवल 2 ही डिजिट था। अब ये डेसिमल बड़े आराम से यहाँ हट जाएगा, तो 422 और जीरो और नीचे क्या हो गया, 6022 हो गया, राइट। और नीचे में ही यहाँ पर देखिए 10 से यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। अब अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बहुत सिंपल सी बात है कि अब यहाँ से ये जीरो जीरो भी मैं काट देता हूँ यहाँ पे, तो क्या बच गया, ये बच गया 422 और यहाँ बच गया 6022 बच गया। अब बस इसी का कैलकुलेशन है, इसी को हम लोग छोटा और कर लेते हैं, फिर हम आंसर तक बड़े आराम से पहुंच जाएंगे। तो आप चाहो तो इसको 22 से काट सकते हो, तो 22 से काटेंगे तो 2 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 211 हो गया, और इसको काटेंगे तो 3 हो गया, 0 हो गया, 3011 हो गया यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ डिवाइड कर देंगे इस तरह से, ठीक है, तो अब डिवाइड यहाँ करेंगे तो 211 कम पड़ जाएगा, तो यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे तो कितना हो गया, 2110 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ 2110 हो गया यहाँ पे, और बाकी जो है कितना हो गया, तो 3011 2110 हो गया है, तो गड़बड़, एक जीरो और लगाना पड़ेगा फिर तो यहाँ पे, हाँ एक जीरो और लगाना पड़ेगा, उसके बाद 7 टाइम लगा देंगे, यानी इसका आंसर जो होगा वो 0.07 होगा,
0.07 मोल इसका आंसर होगा। हाँ जी हाँ, मैंने क्यों लगाया, देखिए जब हम अंश और हर यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के डेसिमल को हटाना चाहते हैं तो वहां पर हमें बस इतना ध्यान देना होता है कि दोनों के डेसिमल के बाद जो डिजिट की गिनती होगी वो बराबर होनी चाहिए। जैसे अब यहाँ पर दशमलव के बाद केवल दो ही अंक थे, दो और दो, लेकिन नीचे में दशमलव के बाद तीन अंक थे, 0, 2, 2। तो अब ये है तीन अंक दशमलव के बाद, और ये दशमलव के बाद दो ही अंक है, तो इसीलिए यहाँ पर जीरो लगाना पड़ा। हाँ, तब जाके मैंने डेसिमल को हटा दिया, तब ये डेसिमल है। ऊपर सर नीचे से चार डिजिट होते हैं। हाँ, तो ऊपर दो डिजिट लगता है बॉस। हाँ, दो डिजिट लगाना पड़ता, अगर यहाँ दो डिजिट हमारे पास है, बाकी दो और लगाते। ठीक है, तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। और चलिए एक सवाल और करते हैं, जरा एक सवाल जरा और आप लिखिए। हाउ मेनी ये 2006 में पूछा गया था एनआईएस के, हाउ मेनी मोल्स ऑफ द सीयू, कॉपर का सिंबल होता है सीयू, सीयू एटम्स आर प्रेजेंट इन 127 ग्राम ऑफ कॉपर, 127 ग्राम ऑफ कॉपर। कॉपर का मास होता है 63.5 होता है कॉपर का मास, एटॉमिक मास। क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ द सीयू एटम्स आर प्रेजेंट इन 127 ग्राम ऑफ कॉपर। बिल्कुल सही जवाब है, 2 ही होगा। और मैं इसको इसको कोई सोल्व करने की जरूरत ही, सीधा ऊपर गिवन मास 127 लिख देंगे और नीचे 63.5 लिख के इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। चलिए बहुत अच्छा बात है। चलिए एक लास्ट सवाल मैं यहाँ पर इसके बेसिस पर कराऊंगा, फिर इसका पैटर्न हम बदल देंगे, पैटर्न फिर हम इसका चेंज कर देंगे। एक लास्ट सवाल इसका लिखवा रहा हूँ, सवाल जरा लिखिएगा। कॉपर वाला देखो n इज इक्वल टू गिवन कितना दे रहा है, 127 ग्राम दे रहा है, और इसका मैंने बोला था 63.5 ग्राम होता है इसका मोलर मास। तो आप 63.5 को मतलब आप ऐसा करेंगे ना, ये 2 टाइम में कट जाता है, ये 2 बार में आराम से कट जाता है। अगर आपको इसमें फिर दिक्कत हो रही है तो आप डेसिमल को ब्रेक कर लीजिए। हाँ, याद रखना पड़ेगा, लेकिन सवाल आपको दे देगा ये, आपको वैसे कोशिश होती है 20 तक आप याद रखिए, 1 से 20 तक आप याद रखिए, बाकी का जो है सवाल दे देता है, जनरली सवाल दे देता है ये। अगला सवाल जरा लिखिए जो 2009 में पूछा गया है ना इसका। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ कैल्शियम एटम्स कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ कैल्शियम एटम्स गिवन दैट द मास ऑफ अ सिंगल एटम ऑफ कैल्शियम, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ कैल्शियम एटम्स गिवन दैट द मास ऑफ अ सिंगल एटम ऑफ कैल्शियम इज गिवन दैट द मास ऑफ अ सिंगल एटम ऑफ कैल्शियम इज, मैं यहां डाटा लिख देता हूं बोलने से अच्छा है, 6.64 × 10⁻²⁶ kg। सिंगल एटम ऑफ कैल्शियम इज
ये डाटा है 6.64 × 10⁻²⁶ kg। अब आप इसको ट्राई करेंगे, संडे के संडे में केवल प्रैक्टिस करवाऊंगा बच्चों, ध्यान रखना, जो हफ्ते भर पढ़ाऊंगा। और पार्टिकुलरली अगर मुझे कुछ लगेगा, मुझे याद करवाना है, तो मैं पूछ भी सकता हूं, क्योंकि आप लोगों का नंबर और नाम डायरी में मेरा वैसे भी लिखा हुआ है। आप जो भी करोगे, आप थोड़ा सा अपना थोड़ा सा ब्रेन लगाओ, ठीक है, फिर तो मैं सोल्व करूंगा ही करूंगा अब तक जो आपने सीखा है। चलिए, आप लोग बहुत अच्छा है, क्योंकि आवाज टकराती है, तो बेहतर होगा कि मैं सोल्व कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा अपना आंसर मिला लीजिएगा। ये जो दे रखा था यहाँ पे सवाल को, मैं एक बार मैं भी जरा पढ़ता हूँ। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ कैल्शियम एटम्स, ये आपसे पूछ रहा है मोलर मास, पूछ रहा है आपसे ये मोलर मास पूछ रहा है कैल्शियम एटम का, मतलब कैपिटल एम पूछ रहा है, ये कैपिटल एम पूछ रहा है, ध्यान देना, ये मोलर मास पूछ रहा है। Given that the mass of a single atom of calcium is इतना kg, यानी कि given mass दे रहा है, ये given mass दे रहा है आपका, यानी small m दे रहा है, ये actually में ये small m दे रहा है, तो ये दे रहा है 6.64 × 10⁻²⁶ kg, ये दे रहा है, ठीक है, और उसके बाद हाँ ठीक इतना ही दे रहा है ये। अब इसी को हमें सोल्व करना है, तो अब हमारा सवाल ये आता है कि अगर हमें अच्छा ठीक है ठीक है, अभी चेक कर लेता हूं, मैं बहुत जल्द अगले सीजन तक अपना ऐप लॉन्च कर दूंगा। ये कहते हैं ना आनंद फानन में ये बैच मुझे रखना पड़ा है, ये मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, मेरा प्लानिंग अक्टूबर वाले बच्चों के लिए था वो सेशन रखने का, लेकिन बच्चों का इतना रिक्वेस्ट वगैरह था, तो अब इतनी जल्दी तो थोड़ा सा कोऑपरेट आप करेंगे, मैं भी करूंगा, हम लोग जरूर मिलकर कुछ करेंगे। तो यहाँ पर मोलर मास यहाँ निकालना है, कैपिटल एम स्मॉल एम यहाँ पर दे रखा है यहाँ पे, और चलिए अब किस तरीके से निकाला जाए, तो अभी दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। अगर आपको बच्चों कुछ समझ में नहीं आता है, आप समझिएगा मेरी बात ध्यान से, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आता है यहाँ पे, तो आप सीधी सीधी नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो, अगर लगता है आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो, उसके बाद करो। तो मैं चलिए वही तरीका पहले करता हूँ, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा कि कैलकुलेशन फॉर्मूला सारी चीजें क्लियर नहीं हो रही है माइंड में, वो चीजें अभी लग रहा है, तो मैं सीधा नंबर ऑफ मोल्स निकाल देता हूं, एन निकाल देता हूं। तो एन निकालने के लिए जो है, अब हमें यहां पर समझना पड़ेगा कि एन कैसे निकलेगा यहां पे, अगर हम एन निकालते हैं तो अब यहां पर समझिए कि गिवन मास यहां दे रखा है 6.64 × 10⁻²⁶ kg दे रखा है यहां पर, समझिए यहां पर ध्यान से, ठीक है। अब हमें क्या पूछ रहा है, ये मोलर मास हमसे ये पूछ रहा है, तो मोलर मास आप जानते हैं कैल्शियम का 40 ग्राम होता है, लेकिन हम यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमसे ये पूछ रहा है, ये हम यहाँ लिख नहीं सकते हैं, तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, एम लिखना पड़ेगा, सवाल के हिसाब से चलना पड़ेगा। यहाँ पे हम यहाँ 40 लिख नहीं सकते, क्योंकि जो निकालना है वही लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एक चीज हमारे सामने ये आ गया। अच्छा, दूसरा ये भी हमने पढ़ा है कि अगर नंबर के हिसाब से हम लोग बात करें यहाँ पर, तो भी हम निकाल सकते हैं। तो एक और एन का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, ये एन होता है, और यहाँ पर क्या होता है आपको, एवोगाड्रो नंबर होता है, तो अब यहां पर जो है ये वैल्यू आप आराम से इसको यहां पुट कर सकते हैं। लेकिन इसने एन दिया है क्या,
एक एटम का मास दे रखा है और कुछ है कि एक मोल का निकालना है, तो सर सीधा वो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना? जी जी सर, बोल क्योंकि इसने सवाल में दिया है कि मोलर मास आपको निकालना है और आपका एक सिंगल एटम का दिया है, अच्छा एक सिंगल एटम का इतना दिया है 6.64 इतना दे दिया है। तो सर वो एक मोल के नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना? तो हमें यही अज्यूम करना पड़ेगा, या तो हमें ये एन की वैल्यू पता होनी चाहिए फिर, या तो फिर हमें एन की वैल्यू पता होनी चाहिए, यहाँ पर एक मोल के लिए पता करना पड़ेगा फिर। हाँ सही बोल रहे हो, फिर एक मोल के लिए पता, हाँ एक मोल के लिए फिर हमें पता करना पड़ेगा, और जब एक मोल के लिए हम लोग पता करेंगे तो फिर हमें इसको सीधा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगैड्रो नंबर से। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, तो सीधा एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो डायरेक्टली अगर यहाँ मोलर मास हम निकालेंगे तो ये हो गया 6.64 इंटू 10 की पावर माइनस 26 केजी मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो आंसर 40 ग्राम के लगभग आना चाहिए क्योंकि ये मोलर मास 40 होता है यहाँ पे। तो यहाँ से जो है कैलकुलेशन का केवल एक हिस्सा रह गया यहाँ पर। अब ये बड़े बड़े कैलकुलेशन है तो इन कैलकुलेशन को हमें सोल्व करना है। जैसे ये 664 है तो अपॉन 100 मैं यहाँ पर कर देता हूँ, और यहाँ पर जो है 6022 को मैं यहाँ पर अपॉन 1000 कर देता हूँ। पावर्स की बात रही, पावर हो गया माइनस 26 प्लस 23 यहाँ पर हो गया यहाँ पे। हाँ जी सर, वैसे कैलकुलेटर का मतलब अलाउ नहीं होता है, कैलकुलेटर खुद ही करना पड़ता है। वैसे एग्जाम हॉल में क्या कंडीशन है मुझे नहीं पता, लेकिन वैसे अलाउ नहीं होता है कैलकुलेटर का, आप इस तरह से कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब इन दो इनको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, इनको आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। और यहाँ पर जो है पावर में बच गया 10 की पावर कितना हो गया, ये माइनस 3, 10 की पावर माइनस 3 हो गया यहाँ पे। और नीचे में जो है कितने जीरोज हैं, दो जीरोज हैं यहाँ पे और तीन जीरोज यहाँ पर है, तो टोटल हो गया 1, 2, 3, 4, 5 जीरोज हो गया यहाँ। ये तीन जीरो भी नीचे ही आने वाला है, तीन जीरो ही नीचे आने वाला है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नीचे 8 जीरो फिर आ जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करके उसके बाद जो है फिर यहाँ पर आएगा। तो आप मुझे मल्टीप्लाई करके बताओ यहाँ पर ये क्या आ रहा है इसका, मैं यहाँ पर बस वही आंसर आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाई किसी ने किया तो मुझे बताओ क्या मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लाए। हाँ ये माइनस 3 है ना, इसलिए नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा माइनस 3 है। तो इसका मल्टीप्लीकेशन किसी ने किया तो मुझे आप बताओ, मैं यहाँ पर करता हूँ, बता लिखता हूँ। क्योंकि सोल्व करने में मुझे पता अप्रोक्स में आंसर जो है यहाँ पर आंसर अप्रोक्स बता रहा हूं मैं 40 ग्राम आएगा, हो सकता है 39 point something है, लेकिन मैं आंसर इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं जीरोज के आपको करके दिखाऊंगा, डेसिमल पर सेट करना है अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो। ये तो पूरा सोल्व करके आपने बता दिया ना, 39.98 है, ये तो पूरा आपने बता दिया 39.98 एग्जैक्ट है, और अप्रोक्स में 40 ग्राम हो जाएगा ये। चलो कोई नहीं, इसको आप कर लेना मल्टीप्लाई करके। तो ओवरऑल मोल वाले कंसेप्ट में जो है हमने ये चीजें सीखी है, बाकी तो उसी के जैसे सवाल है लगभग से। चलिए अब एक सवाल में केमिकल रिएक्शन के बिहाव पे लिख रहा हूं, उसको आप पहले समझना, क्योंकि वो सवाल आप समझ गए तो बाकी चीजें भी आप आराम से कर लोगे। तो मैं सवाल पहले यहाँ पर लिखता हूँ थोड़ा सा पढ़कर। सर मेरा आंसर तो 0.39 है। नहीं ना, 0.39 नहीं आएगा, आप थोड़ा इसको सोल्व करके देखना, ये वाला मल्टीप्लाई कर लेना और नीचे जीरोज को आप सेट कर लेना, आपका यही आएगा, क्योंकि कैल्शियम का जो होता है वो 40 ग्राम ही होता है। बाकी फिर जैसा होगा तो आप मुझे पर्सनल भी भेज देना, कुछ ऐसा होगा तो। बाकी यहाँ पर बस मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
वो टाइम केबल जाएगा। इस अच्छा मैं एक सवाल और करवा रहा हूँ, बस एक फिजिक्स स्टार्ट करता हूँ इसके बाद में। क्या खत्म हो गया? हाँ मोल खत्म हो गया, बस बस मुझे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करवानी है इसके ऊपर से। मोल्स में हमेशा कुछ नहीं है। ना ना पूरा खत्म नहीं हुआ मोल का चैप्टर, अभी उसमें दो तीन वर्ड रह रहे, लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह रह रहा है जो हम इसको कवर करेंगे। अब देखो एक सवाल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक रिएक्शन। क्या कर रहे हो? अभी मैं बताऊंगा पूरा चैप्टर पहले मुझे होने करवाने दो ये वाला, फिर मैं बताता हूँ इसमें क्या याद करना है। अभी एक दिन और लगेगा, चैप्टर पूरा करवाने दो पहले, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। ये मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, आप चाहे तो सवाल साथ में लिख सकते हैं। ये केमिकल रिएक्शन यहां पर दे दिया है और इसमें कुछ चीजें आपसे पूछ रहा है। हाँ इसको लिखना है फटाफट, जल्दी से दो लाइन लिख लो। यहां इसमें सवाल में कुछ दे दिया है, ये पूरा सवाल में लिखता हूं जो दिया है। फर्स्ट का आंसर कितना है? 32। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इस तरह के सवाल जब आए तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और क्या तरीका है सही तरीके से सॉल्व करने का, समझने का। मुझे पता है कि आप लोग में से बहुत बच्चों को ये आता होगा और आपने सही जवाब देने की कोशिश भी किया है, पर आइए मिल के इसको करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं ब्लू मार्कर से करता हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पर इस इक्वेशन को लिख देता हूँ, समझिए ध्यान से। एक सवाल आप समझ जाएंगे, इसके जैसे आप सारे सवाल कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ ये लिखूं 2NO, ये गैसियस है, ये O2 ये गैसियस है और ये 2NO2 गैसियस है, और ये भी NIS का ही सवाल है, शायद 2006 का सवाल है, और इस तरह के सवाल लगभग पूछते रहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, मैंने आपको कल बताया था बहुत ही बेसिक तरीके से कि ये बहुत कुछ बताते हैं। सबसे पहले हमें बैलेंस करना होता है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, मतलब यहाँ पर आपको बैलेंस करने की जरूरत भी नहीं है, ये साफ साफ दिख रहा है कि ये बैलेंस है। अब अगर ये बैलेंस है
तो इसका मतलब ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि आपसे पहला सवाल क्या पूछ रहा है समझिए, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, कह रहा है कि ऑक्सीजन यानी कि O2 के बारे में कह रहा है, ये कितना ग्राम होगा गैस आर नीडेड टू कम्प्लीटली रिएक्ट विद। अब यहाँ पर देखिए क्या दे रहा है, यहाँ पर 6.0 या 60 एक बार में देख लो, 6.0 ही है, तो मतलब 6 ग्राम नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी ये है नाइट्रिक ऑक्साइड, दिस इज योर नाइट्रिक ऑक्साइड, ये ले रहा है 6 ग्राम, ठीक है। तो कह रहा है कि बताइए अगर हम 6 ग्राम नाइट्रिक ऑक्साइड लेते हैं तो फिर कितना जरूरत पड़ेगा ऑक्सीजन का, मतलब ऑक्सीजन कितने ग्राम में होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला काम जो आपको करना है, जो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, क्या अच्छा ठीक है, ये 6.0 है, 60 नहीं है, मैं पहले तो आ रहा हूं, 6.0 है वो, 60 नहीं है, हो सकता पॉइंट दिख नहीं रहा हो, छोटा मैंने लिख दिया हो, 6.0 है। तो देखिए पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट है क्या, कॉन्सेप्ट पहले समझना है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट कहता है कि सबसे पहले ये सवाल तो बदलते रहेंगे, ये डाटा कुछ भी दे सकता है, ये डाटा तो बदल भी सकता है, 6 ग्राम कर सकता है, 10 ग्राम कर सकता है, 15 ग्राम कर सकता है, आपको इस डाटे पर ध्यान नहीं देना है, आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है बच्चों। ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है इस इक्वेशन पे फोकस करना है, सबसे पहला काम होता है इक्वेशन को बैलेंस करना, बैलेंस किया हुआ है उसके बाद इनको लॉ ऑफ कंजर्वेशन अप्लाई करना है। तो यहां पर आपको सबसे पहले मोलर मास लिखना होगा, और जब आप मोलर मास लिखेंगे तो आगे जो डाटा लिखा रहेगा उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। आप समझिए नाइट्रोजन होता है 14 ग्राम और ऑक्सीजन होता है कितना 16 ग्राम होता है, यानी कि आप 14 को और आप 16 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप जोड़ लीजिए, यहाँ पर जीरो हो गया और ये दो तीन 30 हो गया यहाँ पर, और ये दो से आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 30 ग्राम, यानी आ गया 60 ग्राम ही आ गया यहाँ पर। समझिए पहले ध्यान से, ये बेसिक चीज बता रहा हूं मैं, ये बदल सकता है लेकिन ये नहीं बदलेगा, मैं बता रहा हूं ये नहीं बदलेगा क्योंकि इक्वेशन फिक्स है। O2 आप ले लेंगे तो 16 × 32 ग्राम हो गया यहाँ पर। अब 2NO2 में आते हैं तो यहाँ नाइट्रोजन कितना हो गया, नाइट्रोजन आ गया आपका 14 ग्राम, तो ये हो गया 14 और वो हो गया 16 × 32 ग्राम हो गया यहाँ पर, 4 × 2 = 6 46 हो गया। आप 46 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 92 आ जाएगा, ये 92 मैं लिख देता हूँ 2 × 46 ग्राम, तो ये आ गया 92 ग्राम यहाँ पर आ गया यहाँ पर। अब यहां से हमारा असली खेल शुरू होता है, जो भी इस कॉन्सेप्ट से बच्चों एक नहीं हजारों सवाल पूछे जा सकते हैं, हजारों सवाल। ये वही वाली कहानी हो गया कि अगर एक पेन का दाम 5 रुपया है तो बताइए 50 पेन का दाम कितना होगा, फिर क्या बताइए 100 पेन का दाम कितना होगा, फिर क्या बताइए 20 पेन का दाम कितना होगा। तो मतलब एक चीज क्लियर करते हैं, अब आपको इसमें कुछ दिया है, देखिए इसमें दिया कौन सा है, ये वाला आपको दे रखा है, ये वाला आपको 6 ग्राम दे रखा है, तो इससे हम ऑक्सीजन से भी कैलकुलेशन कर लेंगे और इससे हम यहाँ पर नाइट्रोजन NO2 को भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये सिंपल सा ये कहता है कि देखिए अगर आप 60 ग्राम नाइट्रिक ऑक्साइड लेंगे यहाँ पर तो फिर आपको 32 ग्राम ऑक्सीजन यहाँ पर खपत होगा और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो 92 ग्राम बनेगा, ठीक है। बहुत बेसिक समझो यहाँ पर कि अगर हम 60 ग्राम नाइट्रिक ऑक्साइड लेते हैं तो 32 ग्राम ऑक्सीजन बनेगा और 92 ग्राम यहाँ पर NO2 बनेगा यहाँ पर। अच्छा सवाल ऐसा भी दे सकता था कि आपको ऑक्सीजन दे देता इतना ग्राम है, फिर आपसे पूछता कि ये कितना बनेगा और ये कितना बनेगा, या सवाल ऐसा भी पूछ सकता था ये आपको दे देता और इन दोनों के बारे में पूछ सकता था, यानी ये तीनों ही आपस में कोरिलेट है, कोई भी एक देगा बाकी का आपसे पूछ देगा तो आपको बताना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर आपको ये एक एक नियम लगाना पड़ेगा, एक एक नियम क्या लगाना पड़ेगा कि यदि आप 60 ग्राम NO लेते हैं, समझिए यदि आप 60 ग्राम NO लेते हैं तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो कितना बन रहा है, 32 ग्राम O2 यहाँ पर जनरेट हो रहा है, 32 ग्राम O2 है। तो पहले एक का निकालते हैं कि अगर एक ग्राम हम NO लेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा, तो हो जाएगा 32 और ये 60 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर इतना ग्राम आपका आ गया O2 का। जब आपका एक का निकल गया, मतलब एक का निकल गया तो 6 ग्राम का नहीं निकलेगा क्या, आराम से निकल जाएगा 6 ग्राम का, तो 6 ग्राम का आप निकालेंगे यहाँ पे तो 32/60 × 6। अब यहां से 6 को ये 10 टाइम कट गया तो ये कितना आ गया 32/10 यानी 3.2 ग्राम, यानी ये हमारा जवाब है। अच्छा बोर्ड कट रहा है, अच्छा एक मिनट, बोर्ड कट रहा है।
ये हमारा जवाब आ गया 32 ग्राम, हमारा ये जवाब आ गया। अब यहां से दूसरा भी आप बना सकते हैं, दूसरा भी बिल्कुल वैसा ही बनेगा। दूसरा आपसे क्या पूछा, हाउ मच ऑफ NO2 विल बी फॉर्मड इन दिस वे, तो फिर बताइए कि NO2 कितना बनेगा। तो भैया यहां पर जब ऐसे हम निकाल सकते हैं कि 60 ग्राम NO से 3.2 तक कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो क्या इसी 60 ग्राम से हम 92 ग्राम को ज्यूम करके नहीं कर सकते हैं क्या? बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये समझ में नहीं आया, देखिए बहुत बेसिक समझिए, ये एक सैंपल है जो नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा। एक होता है बैलेंस केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन में जो डाटा दिया जाता है वो डाटा बिल्कुल फिक्स होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि इसको मान के लिए एक बीकर में आपने 60 ग्राम जो है NO ले लिया और यहाँ पर जो है आपने 32 ग्राम O2 ले लिया यहाँ पर, तो इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर जो बनेगा 92 ग्राम NO2 बनेगा, बस यही इसका मतलब है, इसका यही मतलब है। तो इसी से हम एक एक नियम करके निकाल लेते हैं। तो दूसरा अगर आप निकालते हैं इसी के जैसा जैसे हमने निकाला, देखो अगर हम 60 ग्राम को देखते हैं तो 60 ग्राम लेते हैं तब 32 ग्राम होता है, बात मेरी समझो पहले, यहाँ 60 ग्राम है तब यहाँ 32 ग्राम है, तो हमें पहले एक का निकालना पड़ेगा ना। जैसे कि चावल का दाम है, चावल का दाम आपसे पूछ लिया जाए, मान के चलिए कि आपसे बोला कि 10 किलो चावल 800 रुपए का है, तो आप सोल्व तो करोगे ना कि 10 किलो चावल 800 रुपए का है तो 1 किलो चावल कितने का होगा। मैं आपसे पूछूं सीधा सवाल कि 10 किलो चावल 800 रुपए का है तो 25 किलो चावल का दाम कितना होगा, तो सबसे पहले आप ये जरूर पता करोगे कि 1 किलो चावल का दाम कितना होगा। वही काम मैंने यहाँ पर किया है, 60 ग्राम में 32 ग्राम बन रहा है तो 1 ग्राम में कितना बन रहा है अगर ये मुझे पता चल जाए तो सवाल जितना भी हजारों सवाल हो सकता है, जितना ग्राम में पूछेगा हम उतना में बता देंगे। अगर आपको पता चल गया कि 1 केजी चावल 80 रुपए का है तो मैं जितना केजी का पूछूंगा उतना का बता दोगे मल्टीप्लाई करके, वही काम यहाँ पर करना है और यही हमारा आज का आखिरी सवाल है, फिर हम फिजिक्स पे आएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है 60 ग्राम अगर हम NO लेते हैं तो NO2 कितना बन रहा है, 92 ग्राम बन रहा है। अगर आप 60 ग्राम NO लेते हैं तो आपका यहाँ पर बन रहा है 92 ग्राम NO2 यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 1 ग्राम का आपको निकालना पड़ेगा। तो अगर 1 ग्राम NO यहाँ पर आप लेते हैं तो यहाँ पर बनता है 92/60 बनता है यहाँ पर, और इसीलिए अगर आप इस तरीके से निकालेंगे कितना का, हाउ मच फॉर NO2 विल बी फॉर्म इन दिस वे, इन दिस वे मतलब ये कह रहा है वही 6 ग्राम की कहानी। तो अगर 6 ग्राम का निकालेंगे तो कैसा निकल जाएगा, ये 92/60 × 16 से डिवाइड कर दिया आ जाएगा 9.2 ग्राम आ जाएगा NO2, और ये इसका आंसर हो गया। तो अगर आप लिखना चाहते हैं इसको लिख सकते हैं, और मैंने बहुत हद तक जो है एक बेसिक से लेके यहां तक आपको लाने की कोशिश किया है। अभी एक दो पैटर्न और है, तो पहला चैप्टर अगर जम के अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है, और एक चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना, हालांकि वो बहुत आसान है, बाकी चैप्टर बीच में तो आप बहुत आसान से कवर कर लेंगे। तो यही हमारा आज के केमिस्ट्री क्लास है, ये पहला ही चैप्टर है एटम्स मॉलिक्यूल्स, ये साल का, ये 2006 में आया है, NIS 2006 में। तो इसी के साथ जो है आप लिख लीजिए अभी करके, अभी टाइमिंग जो हो रहा है लगभग 9:22 या 23 मिनट हो रहा है, 9:30 में 5 मिनट बाद जो है बिल्कुल सेटअप मेरा यही रहेगा, अभी मैं फिजिक्स स्टार्ट करूंगा। और हाँ जी, 2021 का मुझे देखना पड़ेगा, मैं ग्रुप में इसको डालूंगा, ये सवाल मैं ग्रुप में डालूंगा, आप इसको ट्राई करना, नहीं बनेगा तो फिर आप मुझसे पूछना। अच्छा चलो ठीक है, मैं पीडीएफ डाल दूंगा, लेटेस्ट अभी जनवरी फरवरी में भी ऑन डिमांड पेपर हुआ उसका भी मेरे पास पेपर है, और अक्टूबर में जो हुआ उसका भी मेरे पास पेपर है, तो वो सारे पेपर जो है मैं भेज दूंगा, उसमें से जो भी आप लगे आप सोल्व करना, कोई डाउट हो तो पूछना। Thank you.
चलिए आपने इसे लिख लिया होगा। और ठीक 9:30 में अभी हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे और उसमें भी आज हम कैलकुलेशन ही करने वाले हैं। पहले मैं बता देता हूँ, उसमें भी कैलकुलेशन चलेगा जो बेसिक है, उसमें मैं आपको सवाल सोल्व करने को दूंगा, तो आप तैयार रहना। तो हम मिलते हैं 9:30 में, 5 मिनट बाद।